कहानी जिसमें राजा है ना रानी। थोड़ी नई है थोड़ी पुरानी पानी की कहानी, भाई पानी की जबानी। हमारे सिलवास में ये जो नदी दिख रही है और इसमें जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे पानी है, अगर हम लोग पानी बचाए रहेंगे तो ऐसे ही थोड़ी सी हमारे यहाँ पे पानी जिस तरीके से यहाँ पे स्टोर होके रखा हुआ है उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे से जो पानी है जो बहुत सारे कामों में उपयोग में लिया जाता है। और यहाँ पे जो हरियाली दिख रही है वो पानी की वजह से दिख रही है। अगर पानी हम नहीं बचाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे पूरा सूखा होने की स्थिति हो सकती है। इसलिए लोगों को जो बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप बचाइए और देश के लिए आने वाले भविष्य के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा। वो लोग इसी टाइप के बर्तन लेके जाते हैं और उसके अंदर कुछ पानी लेकर आते हैं और इसके अंदर डब्बों में स्टोर रखते हैं ताकि 4-5 दिन तक कोई यूज करते हैं। और इसे अब आप देख सकते हैं कि पानी भर गया है फिर भी गिर के वेस्ट हो रहा है। चाहे तो हमें नल बंद करके भी पानी हो सकते हैं और अगर जब जरूरत है तो हम नल चालू कर सकते हैं। इस तरह से हम बूंद बूंद बचा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री है और यहाँ से पानी भी बह रहा है, बट फैक्ट्री का जो गंदा कचरा है वो इस पानी में मिलकर पानी को और ख़राब कर देता है, जो ना पीने लायक होता है ना नहाने लायक होता है और ना ही उससे हम कपड़े धो सकते हैं या बर्तन धो सकते हैं। क्योंकि ये पानी एक बार फैक्ट्री का गंदा पानी इसमें मिला तो इसमें केमिकल मिक्स हो जाता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, फिर उससे कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये नहर है पर ये सूखा है, इसमें पानी कितना कम है और कम है प्लस गंदा भी है। तो देख सकते हैं कि पानी की कमी के कारण क्या हाल हो गया है, सब कुछ सूखा पड़ा है। देखा कि हमारे बच्चे अपने आसपास के वातावरण में गए और वहाँ पे उन्होंने पता लगाया कि पानी की हमारे एरिया में काफ़ी कमी थी। कुछ बच्चों ने मुझे आगे बताया कि एक नल था जहाँ से पानी नहीं निकल रहा था और पानी की कमी होने के कारण एक जगह पे लोग बहुत दूर तक जाते हैं पानी पीने के लिए, पानी लाने के लिए, और वो लोग अपने घरों में पानी इकट्ठा करते हैं ताकि वहाँ के लोग पानी 2-3 दिन तक यूज करते हैं। लेकिन उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इस सृष्टि के आरंभ से ही पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही महत्व क्यों है? क्योंकि जो सबसे अनमोल है वह पृथ्वी पर है, वह मैं हूँ। कल कल बहती है नदियाँ मेरा जीवन है, मेरा स्वरूप है, वह पूजी जाती है। उसी ने मानव जाति के पीने योग्य जीने योग्य पानी दिया। इटलाती बलखाती है नदियाँ, सृष्टि का पोषण करती है नदियाँ, पर यह क्या मानव ने जिसे अपनी माँ कहा उसे ही अंधाधुंध बहाकर उसकी बर्बादी कर उसे दोषित कर दिया। आज 2050 वर्ष में मेरी बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मची है, मेरा अस्तित्व खतरे में है, पर मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। कोई तो होगा जो मुझे बचा लेगा, मुझे सहज लेगा। बोलती है नहा क्या हो? पर मम्मी है कि पानी नहीं पी। हे भगवान अब मेरा क्या होगा?
चलो उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या आज? अरे यार ये सुस्ती है कि जाती हूँ, अब परसों के ढंग से आया। ये बहाना नहीं चलेगा, चलो उठो। आज हम अपने टीचर्स के साथ थोड़ा ट्रिप पे गए थे इधर उधर देखने के लिए कि कैसा माहौल चल रहा है, तो हमने देखा कि पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमें बहुत सारी परेशानी फेस करना पड़ रहा है। कहीं तो पानी की प्रॉब्लम चल रही है और कहीं पे लोग पानी होते हुए वेस्टेज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एक जगह नल था, वहाँ पर नल थे, फिर हमने ट्राई किया, पानी बहुत प्यास लगे थे घूमने के लिए, तो ट्राई किया कि पानी निकल जाए, लेकिन वहाँ पर पानी निकल ही नहीं रहा था, बहुत ट्राई किया, सूखा पड़ चुका था। और आगे जाकर भी हमने देखा कि नाले गंदे गंदे थे, अच्छे पानी को वो गंदा नाला खराब कर रहा था, और कहीं पे तो पूरा नहर नाले सब सूख चुके हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानी देखनी पड़ रही है। और कुछ आंटी लोग हैं जो कपड़े धोती हैं तो नल चालू रख के पूरा वेस्टेज करती रहती है, बाल्टी भरने के बावजूद वो नल नहीं बंद करते। और हमने एक जगह देखा कि वो नूडल्स वाला अपना नूडल्स धो रहे थे और वो पाइप पर से फेंक रहे, वो पूरा पानी ऐसे ही जा रहा था, वेस्ट हो रहा था। जैसे कि हमने देखा था वो टंकी में पानी डाल रहे थे, तो किस तरह से टंकी में पानी डाल रहा था और आधा पानी नीचे वेस्ट हो रहा था। फिर वहाँ पे हमने देखा किस तरह से पानी स्टोर करके रखे थे, पानी इतनी कम ही पानी को, और फिर ढक के रखते थे ताकि वो हमें थोड़े दिनों बाद भी काम आ सके। तो हमने देखा कि है ना पानी के कारण लोगों को क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, लोगों को पानी की इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है कि